सब घूम फिर के ना यहीं पे आके थोड़ा बाजार में कुछ शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करके ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो चलते हैं आज हम दुबई की तरफ। सो हमारे व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चलते हैं हम दुबई की तरफ। तो अभी हम मंजर से गुजरने वाले हैं, तो आपको मंजर का व्यू भी दिखाते हैं। बाहर का व्यू भी टॉप का है, अच्छा है, नज़ारे गुड हैं। तो दिन में हमारे तकरीबन 5 से 6 डिलीवरीज होते हैं, तो पूरा दुबई घूमते हैं, शारजा, दुबई, अजमान, अभी अबू धाबी, ETC वगैरह वगैरह। तो हम पूरा दुबई घूमते हैं क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि डिलीवरी करना, इधर उधर सामान फेंकना पकड़ना। वो लोग दुबई में फंस जाते हैं जो आके एक ही जगह पे काम करते हैं और बैठे रहते हैं। हमारा काम है डिलीवरीज देना, उठाना, कुछ सामान देना। सो हमारा दिन अच्छा गुजर जाता है। सो आपको बाहर का भी व्यू दिखाते हैं कि हम अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, देरे की तरफ, दुबई, डेरा, डेरा दुबई के जैसे। सो आपको थोड़ा बाहर का भी चेक कराते हैं। सो देखिए आप, बाहर का भी अच्छा है दुबई में क्योंकि रूल्स अच्छे हैं, लोग ट्रैफिक इतना नहीं पड़ता, क्योंकि अभी ट्रैफिक आप देख रहे हैं तो ये ट्रैफिक अभी 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब भी सिग्नल ओपन होगा ना, तो सिग्नल ओपन होते ही ये सारा ट्रैफिक अपनी तरतीब से जाएगी। वहाँ पाकिस्तान में ऐसा है कि एक इधर से गाड़ी निकाल रहा है, दूसरा इधर से, तो सभी एक जगह पे जाम हो जाते हैं। यहाँ पे वो रूल नहीं, अगर थोड़ा सा आपने यहाँ गलती किया तो आपको शुरता उठा लेगा। ये जो गलत बात है, शुरता उठाता है वो भी सही है, क्योंकि यहाँ के कानून अच्छे हैं, इसलिए मुल्क भी तरक्की करता जा रहा है दिन ब दिन। हम भी अपने मुल्क में ऐसे ही काम करते रहें तो एक दिन इंशाल्लाह हम भी तरक्की याफ्ता होंगे, क्योंकि इंसानों को बदलने की ज़रूरत है, इंसान को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, जो कि हम नहीं बदल सकते, क्योंकि हमें वो शऊर पैदा करने वाला कोई नहीं है, हमें बेदार करने वाला कोई नहीं है। हमने उन लीडरों को चुना है जो हमें बदलाह कर रहे हैं और ऐसे राह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे ना कामयाबी ना कुछ, वो सिर्फ अपने ही पेट को भर रहे हैं, बाकी को छोड़ रहे हैं। हमें चाहिए तालीम का जो हमें करना चाहिए, ठीक है। सो हमें तालीम आएगा, हमें शऊर आएगा, शऊर आएगा तो तरक्की आएगा। सो इसलिए अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता करने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाएं, आप जो बच्चे देखते हैं उनको वो पढ़ें, क्योंकि स्कूल एक ऐसा चीज़ है जो मैंने छोड़ा था। मेरे भाइयों ने मुझे लाख कहा कि पढ़ो बेटा, पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो, लेकिन मैंने कहा यार पढ़ाई कुछ नहीं होता। लेकिन अब दुबई आके ना पछता रहा हूँ कि वहाँ की पढ़ाई एक नेमत है, पढ़ाई के बगैर बंदा अंधा है, इस कदर अंधा है कि तुम्हारे सामने चीज़ रखी हुई है और उस पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन तुमको मालूम नहीं है क्या है और किस के लिए इस्तेमाल होता है, तुम यूं हो जैसे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। सो पढ़ा करें, अपने मुल्क को तरक्की दिया करें। सो अब हम गुजर रहे हैं एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट का बाहर का व्यू, दुबई का एयरपोर्ट है, यहाँ पे बड़े बड़े जहाज आते हैं पूरी दुनिया से, वर्ल्ड से। सो आप देख सकते हैं फ्लाई दुबई है, इमारात है और ब्लू एयर ब्लू है, और बहुत से हैं जो सऊदीया से, दुबई से, साउथ दुबई से कहते हैं, पाकिस्तान से, कैनेडा, न्यूयॉर्क और बड़े बड़े शहरों से, जैसे शहरों से नहीं है, बड़े बड़े मुल्कों से आते हैं, दूर दूर से, आपको मालूम है ना। कभी कभी चवली लग जाती है, उसको छोड़ो, आप उसको इग्नोर करो। तो आप डेरा पहुंच के आपको डेरे का भी व्यू दिखाएंगे जहाँ पे डिलीवरी करेंगे। तो हम चल रहे हैं डेरा की तरफ, जब भी सिग्नल है तो सिग्नल स्टॉप हो गया है, सिग्नल स्टॉप की वजह से अब हम थोड़े रुके हैं, अभी हमारा सिग्नल चलेगा, वो हमारा चल गया, हम आगे चलते हैं तो आपको आगे का व्यू दिखाएंगे। अभी हम गाड़ी में बैठे हैं तो आपको खुले का थोड़ा दिखा नहीं पाएंगे, तो आप गाड़ी में से इंजॉय करें, वो दिखाते चलेंगे। अभी हम गाड़ी से उतरेंगे, पेपर देंगे उनको, पेपर देख के फिर गाड़ी का नंबर पूछेंगे, नंबर पूछ के फिर हम वहाँ पर डिलीवरी कर देंगे। ये हमारा हो गया डिलीवरी खलास। सो हम जहाँ से गुजर रहे हैं अब वहाँ पे क्या है, बाजार, खूबसूरत रानी बाज़ार दिखाते हैं। तो ये बाज़ार है, जैसे आप देख रहे हैं बाज़ार में खूबसूरत तरीन चीज़ रखी हुई है, और आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत चीज़ें लाइटों में रखी हुई, लेकिन ये बहुत ही पुराना बाज़ार है और यहाँ पे अंग्रेज सब कुछ आखा हुआ, सब आते हैं यहाँ पे इंजॉय करने, एक नहीं सारी दुनिया के लोग घूमने फिरने, क्योंकि अंदर भी बाज़ार है खूबसूरत, यहाँ पे अरबी, इंग्लिश सब मिक्स हैं, मिक्सचर आते हैं घूमने फिरने। सो यहीं पे आके थोड़ा बाज़ार में कुछ शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करके ना फिर ये अपने अपने घरों को जाते हैं। यहाँ पे नाइट में ज़्यादा रश रहता है क्योंकि नाइट में यहाँ पे ठंडी रहती है, लेकिन दुबई में थोड़ा रेत की वजह से गर्मियाँ पड़ती हैं, तो शाम के टाइम लोग ज़्यादा शॉपिंग करने आते हैं,
घूमने फिरने शॉपिंग करने, और टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे इलाका देखने। वो जो आपको दिखाया था बरदुबई, वहाँ पे पुरानी एरियाज हैं ना, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा घूमते खड़े हैं या सब सिग्नल के इंतज़ार में खड़े हैं। यहाँ सिग्नल ऑन होगा तो ये जाएंगे उस तरफ कश्तियाँ, और कश्ती छोटी छोटी कश्तियों पे बैठ के ना फिर घूमने फिरने जाएंगे। वो सामने आपको कश्तियाँ नज़र आ रही होंगी, थोड़ा बंदा नज़र आ रहा है, वहाँ पे कश्तियों पे चढ़ के ना ये उस साइड जाएंगे, अगली साइड पे, अगली साइड से जो कश्ती है ना वो जो घुमाएंगी समंदर दूर दूर तक, फिर ये वहाँ से घूम के ना वो उस साइड से होके आ रहे हैं सब पहुँचते। तो हमने सोचा इनको गोल्ड मार्केट भी दिखाता चले, डेरा की, पुराने डेरा की। जी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप गोल्ड देखे बस अपने दिल को जलाए और कुछ ना करें अभी नाइट हो रहा है तो वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह, बाय। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।